नमस्कार, मोर यूट्यूब चैनल में तुम्हारा मन के स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कुचई पत्ता कढ़ी। तो एक लिए मिले हूँ कुचई पत्ता। कुचई पत्ता के डंठल वगैरह पहले से तोड़ के रख चुके हूँ और इला धो भी चुके हूँ। तो अब इला इस तरह से तोड़ लेना है और फिर इला बारीक बारीक काट लेना है। वीडियो ला पूरा ज़रूर देखना, और अगर मोर चैनल में नवा हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन ला भी प्रेस कर लेना, ताकि मोर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिली तुम्हन ला। मैं इसने बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी की वीडियो है मोर चैनल में, वो भी एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये कुचई पत्ता इस तरह तोड़ लेना है और फिर काट लेना है। ये कुचई पत्ता के कढ़ी बहुत ही अच्छा लगते, खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगते और ये छत्तीसगढ़ में बहुत पसंद करे जाते, ये तो मालूम ही हो ही सबला हमारे छत्तीसगढ़ वासी मनला। तो ये देखो इस तरह से काट लेना है इला। तो ये कुचई पत्ता के मैं भजिया नहीं बनाऊ, ना ही इधर इधर बनाऊ, मैं यहाँ एक तावा में सेक के इधर कढ़ी बनाऊ। तो ये देखो अभी कुचई पत्ता ला पूरा काट रही हूँ मैं यहाँ। अभी एक बर्तन में रख लेना है और फिर इमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और साथ में इमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, और ये थोड़ा सा अजवाइन डालना है, और ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाले हूँ मैं यहाँ, और ये अदरक लहसुन ला कुचर के इस तरह से डाले हूँ। अगर तुम ला अदरक लहसुन और गरम मसाला पाउडर नहीं डालना है तो एक बिना भी बना सकते हो इला, तो भी ये बहुत ही अच्छा लगते। फिर हमें बेसन डाल देना है, बेसन हमें ज़रूरत के हिसाब से डालना है हमें। तो ये पहले सूखा सूखा मिला ले था अच्छे से। तो ये देखो ये सूखा सूखा मिला लो, फिर वो में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इला भजिया के लिए जिस तरह तैयार कर था ना मिश्रण, वैसे तैयार कर लेना है। तो अभी हम बेसन थोड़ा कम लगा थे तो हम बेसन थोड़ा से और डाल लेना है, आप बेसन अपन हिसाब से डाल सकते हो। तो इन 2 चम्मच बेसन और डाल दो मैं यहाँ, अब मिक्स कर लेना है फिर अच्छे से। तो ये देखो अभी ये अच्छे से मिश्रण तैयार हो चुके हैं। इस तरह से मिश्रण तैयार करना है हमला। अब गैस में एक तावा गर्म करे हुए रखना है, उसमें तेल डाल लेना है थोड़ा से और इस तरह से फैला लेना है। और फिर जो कुचई पत्ता के हमने मिश्रण तैयार करे हैं उन्हें डाल देना है। तो ये 2 चम्मच मिश्रण डाल दें मैं। अब इन हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह चपक देना है इला, इस तरह से मोटा रोटी तैयार करो एक घर। तो ये देखो इतना मोटा रखना है इला, और फिर ढक के धीमा आंच में पकने देना है। फिर चारों तरफ और थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना है और फिर पलट लेना है। तो ये पलटते समय थोड़ा सावधानी रखना, नहीं तो ये टूट जाते। तो इस तरह से पलट लेना, नीचे से ये जल्दी सीख गए। और फिर इधर दूसरी तरफ ला भी इसने धीमा आँच में सेक लेना है। अगर तेज आँच में सेकूँ तो ये जल जाए ऊपर से, वो अंदर से सिका ही नहीं अच्छे से। तो ये देखो अब ये सिका गए, इसी तरह से दूसरा वाले भी तैयार कर लेना है मल्ला। फिर से इसने तेल लगाना है तावा में और फिर मिश्रण डालना है और इस तरह चपकना है इला। अब ढक के धीमा आँच में पकन देना है। तो ये देखो अब ये मोटा रोटी तैयार हो गई कुचई पत्ता के। तो ये इस तरह से काट लेना है, तो इल में चौकोन चौकोन पीस में कट करा था। इला उसन के भी बनाए जाते झाजी में, ओला इड़हर वाले कढ़ी बोले जाते। तो ये देखो इल कट कर लियो मैं यहाँ, इनमें से 3 मोटा रोटी बनके तैयार हो रही से जो मिश्रण तैयार कर रहे हो। और मैं यहाँ कम 10-12 पत्ता ले रहे हूँ कुचई पत्ता के, मीडियम साइज़ की रही से, वे बहुत बड़े बड़े नहीं रही सो हाँ, और ना ही एकदम छोटे। तो अभी एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में तेल डालना है थोड़ा से, और फिर में जीरा डाल देना है 1 चम्मच और 1 चम्मच सरसों दाना डालना है और थोड़ा से कड़ी पत्ता डालना है।
जब कड़ी पत्ता और जीरा राई चटकने लग जाए तो फिर हम टमाटर डाल देना है। तो एक टमाटर ले हूँ मैं यहाँ पे, तो वैसे तो टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़े, फिर भी टमाटर डाले से एक स्वाद थोड़ा सा और अच्छा लगते। फिर हमें मसाला डाले हूँ मैं यहाँ, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। इनमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी कढ़ी में। तो ये 2 मिनट धीमा आँच पे पका लेना है। तो अभी ये मसाला भुंजा गए हमारे अच्छे से, तो ये में अब मही डाल देना है। तो ये 1.5 लीटर मही ले रही हूँ मैं, और मैं आधा लीटर ला रख के 1 लीटर मही हम डाल दूँ। अभी अच्छे से मिला लेना है। अभी मैं बेसन के घोल डालना है, तो उखर लिए आधा ग्लास पानी ले हूँ, और इसमें 1 बड़े चम्मच बेसन डाले हूँ। अब ये घोल लेना है। तो अब ये देखो, फिर इसमें 1 गिलास पानी और डाल देना है, मही ज़्यादा खट्टा रही तो। और फिर ये जो बेसन की घोल तैयार कर रहे हैं इनोला में डाल देना है। और फिर इला 10 से 15 मिनट मध्यम आँच पे अच्छा से उबले तक पकाना है। बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना, वरना ये उखना जाएगी। अगर कढ़ी उखना जाते तो एक स्वाद भी कम हो जाते, तो ये उखना नहीं देना है बिल्कुल भी। इस तरह चम्मच से चलाना है बीच बीच में। अवेल मध्यम आँच में पका लेना 10 से 15 मिनट तक। तो अब ये देखो, कढ़ी के लिए रसा बिल्कुल परफेक्ट है। जब हमें कुचई पत्ता फर डालबो तो यह थोड़ा गाढ़ा हो जाते, तो इसलिए इसने रखना है हमें लैला। और फिर हमें कुचई पत्ता के जो फर तैयार करें ना, हम अनोल डाल देना है। कुचई पत्ता के पकौड़ा बना के भी कढ़ी बना सकते हो। उखर वीडियो पहले से मोर यूट्यूब चैनल में है, तो ओला भी देख लेना अगर उस तरह से बनाना हो तो। तो अभी हमारी कढ़ी तैयार हो गई अच्छे से। अब ऊपर से थोड़ा सारा धनिया डाल देना है। वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो देखे बार धन्यवाद।